हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज मैं आपके लिए एक उलन डिज़ाइन लेके आई हूँ। एक पैटर्न है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नॉर्मली एक पैटर्न बनाने के लिए या एक स्क्वायर बनाने के लिए आपको 10 चैन की ज़रूरत है, ठीक है। पांच लेयर वाला या पांच रो वाला पैटर्न हम बना रहे हैं। अगर आप 6 रो वाला पैटर्न बनाते हो तो आपको 12 चैन चाहिए एक स्क्वायर बनाने के लिए। नॉर्मली यहाँ पर मैं 5 वाला बना रही हूँ, तो यहाँ पे 10 चेन बनाऊंगी एक स्क्वायर के लिए। बाकी आपको जितना बड़ा बनाना है, एक सैम्पल के लिए मैं आपको 4 स्क्वायर का बना के बता देती हूँ। तो मैंने टोटल यहाँ पे 40 जो चेन है वो बनाती हूँ। तो याद रखिएगा, एक स्क्वायर बनाने के लिए आपको 10 चेन की ज़रूरत है। अगर 5 लाइन वाला बना रहे हो, 6 7 जितने भी बनाओगे, तो दो 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 चेन आपको उसमें एक्स्ट्रा ऐड करती जानी है। यहाँ पे मैंने 5 चैन वाला, इसीलिए 40 चैन बनाई है। इसके बाद एक चैन बनाइएगा और फिर जो सेकंड वाली है उसमें से बस इस तरह से धागे को निकाल लाइए। देखिए, हुक के ऊपर हम नॉर्मली क्या करते हैं, सिंगल क्रोशिया के लिए एक बार निकाल देते और फिर उन दोनों को एक साथ, तो वैसे नहीं करना आपको। इस तरह से बस हर एक चैन में से एक एक सिंगल क्रोशिया जैसे निकालते, उस तरह से आपको 6 बार इसको निकालना है। इसके बाद आपको जो पहला एक है उसमें से हुक को निकालना है, सेकंड टाइम पहले दो, इसके बाद आपको हर दो हुक में से या दो लूप में से आपको अपने हुक को निकालना है। तो इस तरह से एक ये पैटर्न बनता जाएगा। ये देखिए, अब इसका नेक्स्ट लेयर बनाने के लिए क्या करना है। तो यहाँ पे जो उलन के एक एक लेयर बनेंगे उसमें से आपको हुक डालना है इस तरह से, और अपने जो हुक है उसके ऊपर धागे को लेना है सिंगल क्रोशिया के साथ। तो 5 ये होंगे और आगे वाला जॉइंट करने जाना है, इसीलिए चैन में से एक लेंगे। तो जो चैन में से ले रहे हैं उसको सिर्फ एक बार निकालेंगे पहली बार, फिर आगे जो जितने भी लूप बने हैं उनको दो दो लूपों को एक साथ निकालेंगे हुक में से, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से दो लेयर मेरे यहाँ पे बन गए। फिर से हम तीसरे लेयर के लिए इस तरह से धागे को निकालेंगे हुक की मदद से। ये टोटल 5 लूप बनेंगे हमारे हुक के ऊपर। इसके बाद छठा वाला जो है वो आपकी चेन के साथ निकलेगा, ठीक है। पहले उसको निकाल दिया एक को, फिर दो, उसके बाद फिर से दो, और फिर से दो, और फिर से दो। इस तरह से ये एक 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 रो बनती जाएगी। जैसे मैंने आपको शुरुआती में बोला कि यहाँ पे जो स्क्वायर बना रही हूँ, जो चौकोर बना रही हूँ, 5 लेयर का या 5 रो का बना रही हूँ, तो इसीलिए आपको ये पैटर्न जो है 5 बार सेम तरीके से करना होगा। पहले एक में से निकाल लिया, फिर दो, फिर दो, फिर उसके आगे वाले दो, और फिर ये दो, और लास्ट वाले दो। तो इस तरह से आपको 6 बार निकालना होगा। 2 3 4 रो तैयार हो गई है हमारी। अब इसके बाद 5वें नंबर की रो जो है उसको शुरू करेंगे। सेम उसी तरह से आपको हर एक धागे में से इस तरह से लूप बनाने हैं, फिर उसके बाद चैन में अटैच कर देना है, और फिर पहले एक बार, फिर उसके बाद दो दो लूप में से धागे को निकालना है। ये देखिए, इस तरह से हमारे यहाँ पे 5 जो लोअर है रोज़ है वो बन गए। अब इस साइड से भी हम उसी तरह से चैन बनाते हुए लेके आएंगे और धागे को नीचे तरफ ले जाके इस पैटर्न को या स्क्वायर को कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह से आपको जैसे स्लिप नॉट लगाते या स्लिप स्टिच लगाते, उस तरह से ही आपको यहाँ पे स्टिचेस बनाने हैं, जिससे क्या होगा कि एक चैन जैसे शुरुआत में बनी है उसी तरह से वो वहाँ से भी बनेगी। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब आप सोचेंगे नेक्स्ट कैसे बनाना है, तो नेक्स्ट भी हम उसी तरह से बनाएंगे जैसे पहले बनाए। तो 5 बार फिर से सेम जैसे हमने पहले 5 चैन में से लिया था, उसी तरह से यहाँ पे भी 5 चैन में से
हुक को निकालेंगे तो टोटल 6 लूप हमारे हुक के ऊपर बन जाएंगे। पहले वाले इसमें एक बार, उसके बाद दूसरे में दो, फिर दो लूप में से, इसके बाद दो दो लूप। पैटर्न सेम है, बस जब आप चैन के पास अटैच करते हो तभी आपको एक लूप में से धागे को निकालना है, उसके बाद दो दो लूप से धागे को निकालना है। ये देखिए, अब चैन के ऊपर अटैच करेंगे एक लूप से और फिर आगे वाले जितने भी लूप हैं उन सबको दो दो बार या दो लूप में से निकालेंगे। इसी तरह से फिर हम तीसरी लेयर यहाँ पे बनाऊंगी। एक बार आप पैटर्न को आराम से देख लीजिएगा, बहुत इजी है। इनफैक्ट मैंने सेम इसी तरह का पैटर्न ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ डिज़ाइन, और काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आया, अच्छे कमेंट्स मिले। बट मुझे लगा था कि अगर मैं सिर्फ वीडियो भी डालूँगी तो आप समझ सकते हो, तो उसमें कमेंट बहुत ज़्यादा आए कि मैम अपनी आवाज़ के साथ समझाइए तो ज़्यादा अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने की फिर से ट्राई किया कि आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आए थे, इतने सारे लोगों ने पसंद किया उस वीडियो को, तो फिर से बनाया। बस सोचा कि सेम ना बनाऊँ क्योंकि ऑलरेडी एक डिज़ाइन तो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इस बार कुछ नया उसी पैटर्न को यूज़ करके बट थोड़ा सा हल्का सा इसमें नयापन, और इस वीडियो के साथ भी आप और दो तीन चीज़ें सीखेंगे जो आपने पहले वीडियो में नहीं मैंने बताई थी। पहले वीडियो में मैंने बस पैटर्न कैसे बनाना है, ये डिज़ाइन कैसे बनानी वो सिखाई थी, बट अब इसके डिफरेंट लेयर कैसे बनाने हैं, अगर आप सेम धागे के साथ कर रहे हो या अलग धागे के साथ कर रहे हो तो अलग अलग लेयर कैसे बनाने वो यहाँ पे बताऊँगी। ये देखिए, इस तरह से स्क्वायर है। टोटल मैंने एक सैम्पल के लिए आपको 4 स्क्वायर बनाए। अब यहाँ से हम धागा चेंज करेंगे, तो कलर तो आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैंने वाइट कलर का धागा लिया है। अब जब सेकेंड लेयर हम शुरू करते हैं तो उसको अटैच करना है ये जो सेंट्रल पॉइंट है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे अटैच करके एक लूप तो बन गया हमारा। धागे को अच्छी तरह से टाइट कर दीजिएगा और याद रखिएगा जो एक्स्ट्रा धागा पीछे से आता है उसी को आप इस तरह से जब हुक लेंगे तो उसको साथ में ले लीजिएगा, मतलब वो धागा अलग से नहीं दिखेगा, इसके अंदर ही पीछे के सिरप से आपकी लेयर में अटैच हो जाएगा। जो प्रॉपर फिनिशिंग होती है वो इसी तरह से आती है, ठीक है। तो 6 लूप हमारे बन गए, पहले वाले में एक बार, उसके बाद बाकी के लूप जो है उनको दो दो बार, मतलब दो लूप में से धागे को निकालना है। तो एक लेयर हमारे यहाँ पे बन गया। अब हम दूसरा लेयर सेम उसी तरह से बनाएंगे, इस तरह से देखिए। फिर आराम से आप इस धागे को निकालिएगा। बहुत सिंपल सा पैटर्न है बट खूबसूरत सा है, और जो नॉर्मल हम लोग क्रोशिया बनाते हैं उससे अलग है। और मैं सोच रही हूँ इसके साथ कोई तोरण या कुछ बनाऊँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो फिर वो भी सोचूंगी तोरण कुछ डिज़ाइन इसके पैटर्न के साथ बनाने की। तब तक आप पैटर्न सीख लो बनाना, तोरण या तालपोश की डिज़ाइन भी जल्दी आ जाएगी। वो डिपेंड करती है आपके रिस्पॉन्स पे कि आप कितने लोग कमेंट करेंगे कि मैं बनाऊँ या नहीं। अगर ज़्यादा कमेंट आए तो ज़रूर कोशिश करूँगी बनाने की। आते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 लेयर तो बन गए, ये चौथा लेयर है। पहले वाले हुक में से एक बार और बाकी इसमें से दो हुक में से निकालना है। मैं हर बार ये बता रही हूँ क्योंकि आप यहाँ पे गलती मत कीजिए, क्योंकि मैं सीख रही थी मैं यही गलती करती थी। जब हम चैन के पास अटैच कर देते हैं, ये देखिए, ये तो नॉर्मल है, ये तो आप समझ जाओगे, पर जब यहाँ पे, तो मैं पहले दो में से निकालती थी तो मैं हमेशा सोचती थी एक लूप कहाँ गायब हो रहा है मेरा। फिर याद आया कि नहीं, जो फर्स्ट टाइम आप चैन के पास अटैच करते हो तब आपको लूप एक लूप में से ही निकालना है, बाकी टाइम दो में से निकालना है। फिर 5 लेयर बनने के बाद आपको इस तरह से स्लिप नॉट के साथ इस धागे को नीचे की तरफ ले जाना है। तो क्या होगा, जो चैन बनेगी जैसे शुरुआत से इस साइड से बनती है उसी तरह से दूसरे साइड से भी बनेगी। ये देखिए, फिर आगे वाली स्टिच में
इस तरह से अटैच कर दीजिएगा। ये हमारा परफेक्ट एक स्क्वायर बन गया इसके ऊपर। इसी तरह से आपको दूसरा साइड भी बनाना है। एक फिर से बता देती हूँ, ये देखिए जो चैन है उनमें से आपको निकालना है। पहले वाला लेयर अच्छे से बन गया ना, तो फिर आगे वाले सारे लेयर अपने आप ठीक से बन जाते हैं, फिर तो कुछ है ही नहीं इसमें। बस दो चीज़ें ही ध्यान देनी है आपको, कहीं पे कुछ छोड़ना नहीं है, हर धागे में से निकालना है। और जब चैन में अटैच करते हो आप नया लेयर बनाने के लिए, तब सिर्फ एक बार ही, ये देखिए एक ही बार हुक में से निकाला, उसके बाद दो दो हुक में से निकालना है। इसी तरह से आपको पैटर्न को फॉलो करना है और रो कंप्लीट कर देनी है। सेकंड रो में हमारे तीन पैटर्न बने। अब आप सोचेंगे कि थर्ड लेयर कैसे करेंगे, यहाँ तो कम कम होते जा रहे, तो वो मेंटेन कैसे रहेगा? तो यहाँ पे मैं इसीलिए तीसरा लेयर आपको बताती हूँ कि तीसरा लेयर कैसे बनाने हैं कि पैटर्न कम नहीं हो। इसीलिए तो अटैच हम यहाँ पे करेंगे धागे को, ठीक है, जहाँ पे सफ़ेद अटैच किया था वहीं पे। इसके बाद आपको पांच चैन बनानी है, ये देखिए पांच चैन बनाने के बाद उसी चैन में से आपको अभी लेयर बनाने हैं। तो हर एक चैन में से धागे को निकालेंगे इस तरह से, तीन, ये चौथा, पांचवा, और जहाँ पे ज्वाइन किया था वहाँ पे ये छठा, या पहली वाली जो रो है, फिर एक बार, फिर उसके बाद दो दो बार। अब तो आप समझ ही गए होंगे, सिर्फ दिक्कत जो है कि वहाँ पे अटैच कैसे करते हैं तीसरे लेयर को। तो इस तरह से चैन बना के फिर आपको पैटर्न की बनाना है चैन की तरफ। और जो वाइट कलर का स्क्वायर है उसमें आपको हर एक लेयर को एक एक तरफ से अटैच कर देना है। फिर से धागा निकालेंगे, फिर जो सफ़ेद कलर का आगे वाला है उसके ऊपर वाला लेयर, उस पर अटैच करके इनको निकाल देंगे। फिर से इस धागे को निकाल के सिंगल स्टिचेस बनानी है, बस पांच लेयर ही बनाएंगे। आप चाहो तो छह लेयर का भी बना सकते हो, अगर कैप वगैरह बना रहे हो या ब्लैंकेट बना रहे हो या जो मैट बनाते हैं टेबल कवर की या पूजा के लिए जो मैट हम लोग बनाते हैं, तो अगर उसके लिए पैटर्न यूज़ कर रहे हो तो थोड़े बड़े बड़े स्क्वायर भी आप बना सकते हो। तो छः से बना सकते हो, सात से बना सकते हो, ये तो एकदम मीडियम स्मॉल साइज़ है। आप जितने बड़े स्क्वायर बनाना चाहते हो उतने बड़े स्क्वायर बना सकते हो। बस आपको अगर पांच लेयर का बनाना है तो पांच चैन के साथ शुरू करना है, छः का बनाना है तो छः चैन, सात का बनाना है तो सात चैन, इतना ही है। इसके बाद इसको भी हम धागे को नीचे की तरफ ले आएंगे सिंगल स्टिच के साथ, तो एक चैन बनी यहाँ से भी, और फिर जो वाइट कलर का सेंटर पॉइंट है वहाँ पे इसको अटैच करके, ये देखिए। तो इस तरह से यहाँ पे एक पैटर्न हमारा स्क्वायर का बन गया। अब इसके बाद वाला होगा ये भी आप ही, अब तो ये पता ही है आपको इसके बीच में कैसे बनाना है, फिर भी एक आपकी बना के दिखा देती हूँ, नहीं तो बाद में फिर बोलेंगे कि यार मैम आपने ये नहीं बताया, तो अलग से फिर वीडियो बनाने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए इस वीडियो में कोशिश कर रही हूँ कि हर चीज़ को क्लियर करूँ, थोड़ा लंबा वीडियो बना देती हूँ। डिज़ाइन उतनी लंबी है नहीं, पाँच मिनट में सीखने जैसी है। एक बार आप बना के देख लोगे, दूसरी बार आराम से बिना देखे अच्छे से बना सकते हो और प्रॉपर। हाँ मैं समझ सकती हूँ, अगर पहली बार बना रहे हो तो धागे कहीं निकल सकते हैं या पैटर्न लूज बन सकता है, जो मेरे साथ भी होता है नया पैटर्न जब हम सीखते हैं। बट एक दो बार बना के देखने के बाद आराम से अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से सीख सकते हो। इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, सिर्फ चैन है और सिंगल स्टिचेस हैं, क्रोशिया वगैरह तो कुछ बनानी है नहीं हमें। तो जो हुक साइज़ बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझे, तो हुक साइज़ जो होता है वो धागे के हिसाब से होता है। तो आप जो धागा यूज़ करते हो वो कितना मोटा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्रोशिया हुक लेना होता है।
ऐसा नहीं है कि मैंने 4 प्ले धागा लिया है तो आपका 3 प्ले है तो आप सेम हुक यूज़ करोगे। आप जो धागा यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से आप जो हुक है उसको सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मैंने वो यूज़ किया इसीलिए नहीं होता, जो धागा आपके पास है जिस धागे के साथ आप बना रहे हो वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब बन गया। अब लास्ट वाला याद से देखिएगा, क्योंकि जो लास्ट वाला है उसमें तो कोई चेन है नहीं जिसमें हम अटैच करेंगे, तो इसको कैसे बनाना है। तो पहले आप क्या कीजिए, इस तरह से जो हुक हैं उनको निकालिए, 6 हुक बना दीजिए पहले अपने, सॉरी 6 लूप बना दीजिए हुक के ऊपर, और पहले वाला लूप में से 2 इसके बाद एक बार फिर बाकी वाले 2 2 लूप में से हुक को निकालिएगा। ये देखिए इस तरह से, तो पहला लेयर तो बन गया हमारा। अब दूसरा लेयर कैसे बनाएंगे, क्योंकि आगे चैन तो है नहीं जिसमें हम अटैच करेंगे, तो चैन आपको हर बार बनानी है। ठीक है, तो कैसे बनानी है ये देख लीजिए, 5 हुक हो गए। अब जो ये वाला हुक है जहाँ पे हमने, ये देखिए ये जो वाला लूप है उसमें से आप पहले डालिएगा, फिर पहले एक में से निकालिए तो चैन बन गई, उसके बाद आगे वाले में 2 2 लूप में से हुक को निकालिएगा। ये देखिए इस तरह से आपकी चैन बनती जा रही है। फिर तीसरा लेयर बनाएंगे, उसको भी आपको उसी तरह से पहले 5 लूप बना दिए। छठा लूप कहाँ पे बनाएंगे, तो ये चैन है उसमें से फिर पहले एक लूप में से निकालेंगे तो चैन बन गई, उसके बाद 2 लूप में से निकालेंगे, फिर उस आगे वाले 2, फिर आगे वाले 2, फिर आगे वाले 2 और लास्ट वाले 2, तीसरा लेयर बन गया। इसी तरह से आपको चौथा लेयर भी बनाना है और पांचवा लेयर भी बनाना है। तो ध्यान से देखिए कि चैन हम कैसे ऐड कर रहे हैं। अगर कुछ भी बेस नहीं है फिर भी आप इस तरह से लेयर बना सकते हो। तो मैंने पहले आपको चैन के साथ किस तरह से बनाना है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, सेकंड लेयर आपको एक्सप्लेन कर दिया, थर्ड लेयर एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसके अलावा इस डिज़ाइन में आप इसका यूज़ करके कितने भी लेयर बना सकते हो, 100 लेयर भी बना सकते हो, आराम से बन जाएंगे। हर बार जहाँ पे शुरुआत में कुछ नहीं है चैन के साथ शुरुआत कीजिए, और अंत में कुछ नहीं है तो चैन बनाते जाइएगा। अब धागे को नीचे की तरफ लाएंगे, जो फिनिशिंग वाला स्टिच है उसको बनाएंगे, तो चैन बनानी है तो नॉर्मल जैसे हमने बनाई उसी तरह से आपको बनानी है। पैटर्न इतना ही है। आपको कहीं समझ में नहीं आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।